तो ठंड में देख ली। राधिका चंदन म्यूट हो जाइए। तो काम करो जल्दी से काम करो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यूज ऑफ दिस दैट एक्सरसाइज, ठीक है। इंग्लिश हाँ गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था यूज ऑफ दिस दैट, कि दिस का यूज हम कब करते हैं और दैट का यूज कब करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप मुझे बताएंगे कि दिस मीन्स क्या होता है, क्या होता है दिस मीन्स। This means क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, this means होता है यह है। क्या होता है? This means यह है। Okay? This means यह है। That means वह है। That means वह है। तो स्टूडेंट्स देखिए, दिस की मीनिंग क्या होती है? टी एच आई एस, क्या बोलेंगे? दिस, टी एच आई एस, क्या बोलेंगे? दिस, ठीक है। और दैट, टी एच ए टी, दैट, ठीक है, टी एच ए टी, दैट, ठीक है, T H A T, that। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो मैंने भी आपको मीनिंग और उसका मीन्स आपको बताया है कि T H I S, दिस मीन्स होता है यह है, और T H A T, that मीन्स वह है। अब देखिए, हम यूज दिस का यूज मैंने क्या लिखा है? देख, नियर, ठीक है, दिस का यूज नियर के लिए होता है, दिस का यूज नियर प्लस सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मीन्स होता है एक वचन, यानी वन पर्सन, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन का मीन्स होता है एक वचन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वन पर्सन के लिए, क्योंकि वो भी एक ही वचन है, तो हम बोल सकते हैं वन पर्सन भी बोल सकते हैं और सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेकंड है हमारा दैट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको दैट का यूज बताया था, दैट का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो दैट का यूज हम फॉर, यानी
दूर के लिए, ठीक है ना। दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं, दूर के लिए, प्लस सिंगुलर नाउन, या तो सिंगुलर नाउन और दूर के लिए दैट का यूज होता है, ठीक है ना। देखो अच्छा शानू आप बताएंगे, दिस की मीनिंग बताइए आप मुझे, दिस। शानू दिस मीन्स क्या होता है, शानू दिस मीन्स क्या होता है? क्या आप अनम्यूट हुए? देखिए दिस की मीनिंग DHIS क्या होता है, दिस, दिस मीन्स यह है, ठीक है। THIS दिस, दिस मीन्स यह है, ठीक है। और THAT दैट, दैट मीन्स वह, ठीक है। अब देखिए दिस का यूज हम नियर सिंगुलर नाउन, ठीक है, यानी नियर मीन पास में, पास के लिए, पास में जब हमारे कोई चीज होती है तो हम किसका यूज करते हैं, दिस का, बट सिंगुलर नाउन, एक वचन, ठीक है, एक वचन के लिए यूज करते हैं। और देखिए दैट, THAT दैट, दैट मीन्स मैंने एरो बनाया है, दूर है यानी फार है, दूर है ना। और क्या है, क्या लिखा मैंने ब्रैकेट में, सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन, ओके। तो देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आप, आपको आंसर देना है। शानू आप भी बताएंगे, इज ए कार, इज ए कार किसका यूज करेंगे आप, दैट कार। बेटा इज ए कार, देखिए कार, हाँ किसका यूज करेंगे, दैट कार, दैट कार, दैट की मीनिंग बताइए आप मुझे, मीनिंग बताइए, बताया था ना मैंने THAT दैट, ओके। इज ए कॉइन, हेमंत आप बताइए आप किसका यूज करेंगे, दैट का, दैट की मीनिंग बताइए मुझे, THAT वेरी गुड। नेक्स्ट है, इज ए ट्रैफिक लाइट, किसका यूज करेंगे शानू, देखिए इज ए ट्रैफिक लाइट किसका यूज करेंगे शानू, बताइए। किसका यूज करेंगे शानू आप, दैट की मीनिंग बताइए मुझे, बताइए। हेमंत आप बताइए, बोल THAT THAT
एच ए टी दैट. नेक्स्ट है इज ए हट. इज ए हट किसका यूज करेंगे हेमंत? हेमंत किसका यूज करेंगे आप? हेमंत शानू आप बताइए आप किसका यूज करेंगे? देखिए मैंने भी आपको बताया था पास के लिए दिस का यूज करेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन. तो किसका यूज करेंगे हम? दिस का. और दिस की मीनिंग क्या होती है? टी एच आई एस, ठीक है, टी एच आई एस दिस. शानू आप अनम्यूट हुई है? अब देखिए इज ए फैन. इज ए फैन किसका यूज करेंगे आप? किसका यूज करेंगे? इज ए फैन. फैन क्या है? दूर है ना, और दूर के लिए मैंने किसका यूज बताया भी आपको? किसका यूज बताया मैंने? हेमंत आप बताइए मैंने किसका यूज बताया? देखिए इज ए फैन. फैन क्या है? दूर है. किसका यूज होगा? दैट का. दैट की मीनिंग टी एच ए टी दैट. इज ए पेंसिल. इज ए पेंसिल किसका यूज करेंगे आप? हेमंत बताइए किसका यूज करेंगे? शानू आप बताइए आप किसका यूज करेंगे? देखिए इज ए पेंसिल. पेंसिल क्या है? पास है, ठीक है, नियर है ना. तो किसका यूज होगा? दिस का. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट इज द सन. हेमंत आप बताइए आप किसका यूज करेंगे? इज द सन. इज द सन किसका यूज होगा? शानू आप बताइए. शानू बताइए आप. हेमंत सही था. अब काय कर दी तो अब मैं आपने जमाल दूंगी. काय कर दी? काय कर दी? देखिए इज द सन किसका यूज होगा? दैट का. ठीक है. Is a mouse. Is a mouse. किसका यूज होगा? Is a mouse.
दिस या दैट क्या यूज करेंगे आप? दिस का यूज करेंगे या दैट का? दिस का। दिस का, वेरी गुड। हेमंत आप कैमरा ऑन कीजिए। हेमंत शानू आप आंसर भी दे रहे हैं बेटा? शानू आपको आंसर देना है, ठीक है आप आंसर देंगे। इज ए मैंगो, इज ए मैंगो। शानू बताइए आप, दैट दैट की मीनिंग बताइए मुझे। वेरी गुड। इज ए मोबाइल फोन। हेमंत आप बताइए किसका यूज करेंगे? डिश का। डिश की मीनिंग बताइए आप मुझे। CHIS. Very good. Is a octopus. Is a octopus. बताइए किसका यूज होगा? किसका यूज होगा? That का। That का। ठीक है। That की मीनिंग बताइए आप मुझे। THAT. Very good. Is an umbrella. किसका यूज होगा? That का। That का। Very good. Is a gun. Diska. Diska. Ab Radhika Chandan. आप बताएंगे दिस का यूज कब होता है? राधिका दिस का यूज कब होता है बेटा? हेमंत आप बताइए दिस का यूज कब होता है? पास के लिए, पास के लिए। और दैट का यूज? दूर के लिए, दूर के लिए। और दिस की मीनिंग? THIS. THIS. दिस। और दैट मीन्स? दैट मीन्स दैट, है ना? दिस मीन्स ये है और दैट मीन्स वह है। ओके ओके गुड गुड माइन। राधिका इज ए हैट। हैट हैट यूज करेंगे आप? क्या बोल रही है मैम? बताइए किसका यूज होगा? दिस का। दिस का। दिस की मीनिंग बताइए आप। बोलिए
शानू आप बताइए, शानू बताइए आप, बेटा बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेमंत आप पिछाड़ी करना तू तो करे ओ मैम करी जो देखो करती प्लेन मेरी क्लास खत्म। इज ए प्लेन किसका यूज करेंगे शानू, किसका यूज करेंगे शानू? हेमंत आप बताइए। इज ए प्लेन दैट का, दैट का अब देखिए मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, है ना? ठीक है, देखिए दिस दिस टी एच आई एस क्या होता है, दिस दिस मींस यह है, ठीक है, टी एच ए टी दैट दैट मींस वह। अब इनका यूज, दिस का यूज नियर सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, नियर मींस पास, सिंगुलर नाउन मींस एक वचन, ठीक है। देखिए ये क्या है, वन मार्कर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है ना ये, और ये क्या है मेरे पास है, नियर है, तो किसका यूज करेंगे हम, दिस का, दिस का। ये दूर होता तो हम किसका यूज करते, दैट का, ठीक है, दैट का, दैट। देखो आप एरो से देखिए, दिस के पास में है, इससे नियर है, इससे दिस का यूज है, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, दैट मीन्स दूर यानी फार, दैट मीन्स दैट, दैट का यूज हम कब करते हैं, फार यानी दूर के लिए, सिंगुलर नाउन। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम, ओके मैम। शानू समझ में आ गया आपको? शानू यस मैम। हेमंत यस मैम। एनी प्रॉब्लम मैम? अच्छा नो मैम, नो मैम, ठीक है। तो हेमंत आप बताएंगे दिस का यूज कब होता है, पास के लिए, और दैट का यूज दूर के लिए। दिस की मीनिंग बताइए आप मुझे। टी एच आई एस, और दैट की टी एच आई एस। शानू आप बताइए दैट की टी एच ए टी, टी एच ए टी। शानू गिव मी आंसर, शानू आपको समझ में नहीं आया? टी एच ई टी, टी एच आई एस, ठीक है। दैट का यूज आप कब करेंगे शानू? जब दूर होंगे। और दिस का यूज? पास में। ओके एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके